हेलो स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस लेक्चर वी हैड स्टडीड अबाउट द सॉल्युबिलिटी एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स. नाउ वी आर टेकिंग द केमिकल रिएक्शंस, द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल. Now, first we are taking alcohol. So in alcohol, there is a OH group, and all the alcohols are versatile compounds because they act as a nucleophile as well as an electrophile also. See how? So first we are taking alcohols as nucleophile. न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है जो नेगेटिवली चार्ज्ड हो, और सेकेंड थिंग कि जो लोन पेयर एक्सेप्ट करना चाहते हो. ऑल आर नोन एज न्यूक्लियोफाइल्स. वो न्यूट्रल भी होते हैं और जनरली वो नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं. तो देखते हैं इसका एग्जांपल कि सपोज वी आर टेकिंग ROH, मतलब ऑक्सीजन के पास टू लोन पेयर्स हैं, एंड व्हेन इट इज़ इन कॉन्टेक्ट विथ एनी कार्बोकेटायन, मतलब जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, तो क्या होगा कि ये जो लोन पेयर है ना, वो डोनेट होगी कहाँ पे? कार्बन के ऊपर. जिससे क्या होगा, RO, यहाँ पे एक लोन पेयर अट्रैक्ट हो गई कार्बन, इसके थ्री बॉन्ड्स थे ही, यहाँ पे हाइड्रोजन. नाउ जनरली ऑक्सीजन हैज टेंडेंसी टू मेक ओनली टू बॉन्ड्स, बट थर्ड बॉन्ड इज पॉसिबल बाय डोनेशन ऑफ लोन पेयर. ओके, और फिर क्या होगा, ये हाइड्रोजन एज एच प्लस रिलीज हो जाएगा, और फाइनली वी आर गेटिंग ROC. ओके, तो जिससे आपको ये पता चल गया कि वेन एवर न्यूक्लियोफाइल एज न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा, एट दैट टाइम हाइड्रोजन इज रिमूव्ड. मतलब यहाँ पे हुआ OH बॉन्ड का क्लेवेज, मीन्स क्लेवेज ऑफ दिस OH बॉन्ड. तो वेन एवर cleavage of OH bond is occurred in alcohols, at that time alcohols will act as a nucleophile. मतलब उस time पे वो nucleophile बनेंगे. Next हम ले रहे हैं अभी as a electrophile. तो उस time पे हम याद रखेंगे, at that time generally क्लेवेज ऑफ CO बॉन्ड होगा. मतलब अल्कोहल में जनरली COH, तो जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तब वो न्यूक्लियोफाइल मिलेगा, और जब ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा एट दैट टाइम इलेक्ट्रोफाइल बनेगा. सो लेट अस सी इट्स एग्जांपल. वो एग्जांपल कैसे हैं देखते हैं अभी. RCH2OH, suppose it is reacted with H plus. So normally oxygen makes two bond, but here third bond is possible. चलो वो कैसे possible है तो देखते हैं हम. H plus means it's 1s orbital empty. देखो hydrogen का atomic number 1 electronic configuration 1s1. H plus बना मतलब उसका एक electron release हो गया, means 1s orbital is empty, and oxygen contains टू लोन pairs, नॉन bonding इलेक्ट्रॉन pairs. सो amongst them वन pair इज डोनेटेड टू हियर. सो RCH2OHH, और फिर ऑक्सीजन पॉजिटिव हो जाएगा. ओके, अब ये अगर कोई नेगेटिवली चार्ज पार्ट के कॉन्टेक्ट में आता है, मीन्स RCH2 दिस OH एंड H, एंड इट इज इन कॉन्टेक्ट विथ सपोज Br-, तो क्या होगा, ये जो पॉजिटिवली चार्ज था पहले तो चलो ये गया एज अ H2O, और फिर बाकी क्या बचा, चलो ये पॉजिटिव था मीन्स ये पार्ट, फिर जब भी ये रिमूव होगा तब ये पॉजिटिव बनेगा क्योंकि ये बॉन्ड गया. ओके, और फिर हमें मिलेगा यहाँ पे RCH2Br,
और साथ में वाटर। तो यहाँ पे अल्कोहल उसने एक्ट किया एज एन इलेक्ट्रोफाइल। ओके, अब देखो, तो फिर अब अल्कोहल और फिनॉल्स की अगर हम रिएक्शन देखें तो उसमें दो टाइप्स की रिएक्शन आती है, इससे ये पता चला हमें। कौन सी रिएक्शन आती है देखते हैं। एक है क्लेवेज ऑफ ओएच बॉन्ड। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लेवेज ऑफ ओएच बॉन्ड। अब याद करो, जब भी ओएच बॉन्ड ब्रेक होगा तब वो एज ए कैसे एक्ट करेगा, तो एज ए न्यूक्लियोफाइल। ओके, अभी हमने सीखा। अब हम देखते हैं रिएक्शन में फर्स्ट एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक, और एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक हम पढ़ेंगे फर्स्ट रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स विथ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स विथ मेटल्स। अब ये जो मेटल्स हैं जनरली एक्टिव मेटल्स होती हैं, और यहाँ पे मेटल होगी सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा। अब देखते हैं रिएक्शन में क्या होता है। सो वी आर टेकिंग अ सिंपल सिंपल रिएक्शन। हमने यहाँ पे सपोज लिया ROH, सो व्हेन इट रिएक्ट्स विथ सोडियम मेटल तो क्या होगा, टू टाइम्स रिएक्ट होगी, यहां पे रिएक्शन होगी RONA और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। चलो देखते हैं कैसे। सोडियम हैज टेंडेंसी टू रिलीज वन इलेक्ट्रॉन एंड टू गिव Na प्लस। टू Na लिखा है मतलब टू टाइम्स होगा, तो और यहाँ पे भी टू टाइम्स लिखा है, जिससे क्या होगा टू एच प्लस मिलेंगे, टू आर ओ माइनस मिलेंगे। तो टू एच प्लस विल गेन दीज टू इलेक्ट्रॉन्स विच आर रिलीज बाय सोडियम टू गिव द हाइड्रोजन गैस, और यहाँ पे मिलेगा हमें सोडियम अल्कोक्साइड। ओके, सोडियम अल्कोक्साइड। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर अल्कोहल हम लेते हैं तो अल्कोक्साइड नाम होगा, तो मिथेनॉल लेंगे तब गैस, यस मिथोक्साइड, इथेनॉल इथोक्साइड, प्रोपेनॉल प्रोपोक्साइड, ब्यूटेनॉल ब्यूटोक्साइड। ओके, तो आपको रिएक्शन कंप्लीट करनी है मिथेनॉल की सोडियम मेटल के साथ इथेनॉल की रिएक्शन, फिर प्रोपेन वनॉल, फिर ब्यूटेन वनॉल। चलो एक एग्जाम्पल के साथ पढ़ी लेते हैं, एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं इसका। सपोज मैंने लिया मिथेनॉल, तो CH3OH सोडियम मेटल, CH3ONA। अगर हम कुछ ना लिखे तो फिर हम यहाँ पे हाफ एच लिख सकते हैं। ओके, या तो फिर सबको टू से मल्टीप्लाई करो, तो टू 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 एंड यह वन आएगा, देख लो ऊपर लिखा है उस हिसाब से। ओके, लेकिन मेन नेम मिथेनॉल, देन हियर सोडियम मिथोक्साइड। नेक्स्ट चलो और एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज हम यहां पे ले रहे हैं तृतीयक टर्शरी ब्यूटोक्साइड। व्हेन इट रिएक्ट्स विथ एल्यूमिनियम, नाउ एल्यूमिनियम हैज टेंडेंसी टू रिलीज थ्री इलेक्ट्रॉन्स, और यहां पे हाइड्रोजन एक ही है, तो सपोज मुझे एच टू लिखना है तो मतलब दो तो यहां पे चाहिए, और यहां पे थ्री इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो गए, यहां पे दो एच प्लस मिल रहे हैं, तो फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। चलो देखते हैं पूरा कैसे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एल्यूमिनियम रिलीजेस थ्री इलेक्ट्रॉन्स, वन हाइड्रोजन तो हाफ एच टू, और थ्री इलेक्ट्रॉन्स है तो थ्री बाई टू एच टू, इजी।
मतलब 3/2 × H2 मतलब 3 हाइड्रोजन हो गए देख लो, तो मतलब इसको मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ पे बचेगा क्या, पूरा 3 टाइम्स क्या, CH3 दिस O नेगेटिवली चार्ज्ड, हाउ मच टाइम्स, 3 टाइम्स एंड इट इज अटैच्ड विथ एल्यूमिनियम। तो अगर हम इसका नेम लिखें तो वो होगा टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, और यहां पे होगा एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड। ओके नेक्स्ट, अगर मुझे इक्वेशन को 100% बैलेंस करना है तो ये जो 3/2 है तो इसका हम क्या करेंगे, पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जहाँ से इससे आएगा 6, यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा 2 और यहाँ पे 3। तो अगर हम ओवरऑल लिखें तो फिर फाइनल ये होगा यहाँ पे 6 तो फाइनली यहाँ पे आएगा 6, यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा 2 और यहाँ पे आएगा 3। सेकेंड रिएक्शन हम ले रहे हैं अभी, दैट इज ऑफ फिनॉल, फिनॉल मीन्स बेंजीन के ऊपर OH। तो जैसे अल्कोहल की रिएक्शन होती है, सेम इसकी भी रिएक्शन होगी, 2Na 2 मोल्स टू गिव 1H2 और यहाँ पे मिलेगा बेंजीन के ऊपर ONA, तो इसका नाम होगा सोडियम फिनोक्साइड फ्रॉम फिनॉल। अब देखो ये जो फिनॉल है ना, ये तो प्योर एसिडिक कंपाउंड है, और वो कैसे पता चलेगा, बिकॉज फिनॉल कैन रिएक्ट विथ NaOH विच इज़ अ बेस, सो एट दैट टाइम फिनॉल एक्ट्स एज एन एसिड टू गिव अगेन सेम सोडियम फिनोक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल। फ्रॉम फिनॉल, और वो कैसे देख लो, यहां से H, यहां से OH। ओके तो ये बनाएगा वाटर और बाकी का कंबाइन हो गया, दैट इज बेंजीन के ऊपर O-Na+। ओके नेक्स्ट, तो ओवरऑल यहां पे ये बना कि B दैट इज अ बेस माइनस विच इज रिएक्टेड विथ ROH। तो हमें ये पता है कि ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव B माइनस के साथ कंबाइन होके B फॉर बेस, तो उस टाइम पे अल्कोहल ये बना एसिड, जिससे हमें यहाँ पे मिलेगा कॉन्जुगेट एसिड, और कॉन्जुगेट बेस, और वो होगा RO-। नेक्स्ट वी आर टेकिंग एसिडिटी ऑफ अल्कोहल्स, चलो अब ये स्टार्ट करते हैं। अभी ऑल द अल्कोहल्स आर एसिडिक इन नेचर इन अ स्पेसिफिक कंडीशन,
तो वो कैसे? अब देखो, अल्कोहल्स का फॉर्मूला पता है हमें, आर ओ एच. सो ये जो आर है ना, दैट इज अवर अल्काइल ग्रुप. अब ऑल द अल्काइल ग्रुप्स हैव टेंडेंसी टू एक्ट एज अ पॉजिटिव इंडक्टिव ग्रुप्स. मीन्स ऑल द अल्काइल ग्रुप्स हैव पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट. वो क्या है अभी हम समझेंगे. तो देखो, बेसिक यहां पे है CH2OH, यहां पे नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड, यहां पे R, R फॉर दिस अल्काइल ग्रुप. दिस वन इज अवर प्राइमरी अल्कोहल. नाउ हियर वी विल कंपेयर विद द आइसोमेरिक अल्कोहल. सपोज हमने सेकेंडरी अल्कोहल लिया एंड देन टर्शरी अल्कोहल्स. ओके, ऑल द अल्काइल ग्रुप्स हैव टेंडेंसी टू डोनेट द बॉन्ड पेयर. ये जो बॉन्ड पेयर है उसकी टेंडेंसी रहेगी टू डोनेट, जिससे क्या होगा, ये ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, जिससे क्या होगा, ये बॉन्ड पोलर होगा, जिससे क्या होगा, ये हाइड्रोजन एज एच प्लस रिलीज हो पाएगा. लेकिन ये जो अल्काइल ग्रुप है ना, ये इलेक्ट्रॉन और प्रोवाइड करता है, जिससे क्या होगा, ये ओ एच बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, तो हाइड्रोजन एज एच प्लस रिलीज नहीं हो पाएगा. दो आर मतलब टू टाइम्स अट्रैक्ट होगा, तो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ जाएगी, जिससे ये बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा बढ़ेगी, इससे भी ज्यादा बढ़ेगी. तो मतलब अगर ये हाइड्रोजन रिलीज कर हो सकता है, तो फिर इसमें ज्यादा दिक्कत आएगी, मतलब रिलीज नहीं होगा ड्यू टू मोर अट्रैक्शन. और अट्रैक्शन क्यों ज्यादा, ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हुई. क्यों? क्योंकि दो अल्काइल ग्रुप्स हैं. अगर तीन अल्काइल ग्रुप्स हुए तो थ्री टाइम्स अट्रैक्ट होती है यहाँ पे, जिससे क्या होगा, यहाँ पे माइनस डेल्टा और प्लस डेल्टा सबसे ज्यादा होगा. ओके, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा, तो क्या होगा, ये जो टर्शरी अल्कोहल्स हैं, दीज आर द लीस्ट एसिडिक एज कंपेयर टू द प्राइमरी, और सेकेंडरी अल्कोहल्स आर लेस, लीस्ट होगा टर्शरी. ओके, तो मैंने यहाँ पे पूरा रीजन समझा दिया. अब एग्जाम में कैसे पूछेंगे, आपको कोई भी एग्जांपल्स दे देंगे, लाइक और सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल, इसको हम फोन नंबर देते हैं. नेक्स्ट है टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, और फर्स्ट हम लेते हैं प्राइमरी ब्यूटाइल अल्कोहल, मीन्स नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल. तो सबसे ज्यादा मतलब अगर यहां पे लिख रहा हूं मैं अरेंज, द अबो कंपाउंड्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ. डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब पहले की वैल्यू सबसे ज्यादा एसिडिक, और वो कौन होगा, प्राइमरी. तो तीनों में से प्राइमरी कौन है, अपना थ्री नंबर, क्योंकि उसके पास चारों कार्बन एटम्स नॉर्मल चेन में. ओके, तो ये है अपना प्राइमरी और ये है नंबर थ्री. उसके बाद आएगा वन, नंबर वन, बिकॉज इट्स सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल. और उसके बाद होगा टर्शरी. ओके, सो दिस इज द ऑर्डर, नंबर थ्री, देन नंबर वन, एंड देन नंबर टू. ओके स्टूडेंट्स, तो चलो समझ में आ गया होगा आपको. नेक्स्ट, नाउ अल्कोहल्स आर
नाउ अल्कोहल सार वीकर एसिड्स देन वाटर. चलो अब ये समझते हैं कि ये कैसे आया. अल्कोहल में जो नेगेटिवली चार्ज्ड पार्ट था वो था आर ओ माइनस, अभी हमने पढ़ाया. एंड इट इज रिएक्टेड विथ वाटर मॉलिक्यूल, जिससे क्या होगा कि ये जो हाइड्रोजन है ना वो यहाँ पे अट्रैक्ट होगा और यहाँ पे मिलेगा हमें आर ओ एच, और बाकी क्या बचा, दिस ओ एच माइनस. तो इन दिस रिएक्शन वी कैन सी दैट वाटर मॉलिक्यूल हैज डोनेटेड द एच प्लस. मतलब ये क्या होगा, ये एसिड बना, मतलब ये बेस बना, यहां पे कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस. जिससे ये प्रूव होता है कि वाटर इज बेटर प्रोटॉन डोनर, मतलब स्ट्रॉन्गर एसिड देन अल्कोहल. ओके, और सेकेंड थिंग, ये जो अल्कोक्साइड आयन है ना वो बेटर प्रोटॉन एक्सेप्टर है हाइड्रोक्साइड आयन से. तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्कोक्साइड मीन्स ये जो आर ओ माइनस है दैट इज अवर अल्कोक्साइड. सो दीज अल्कोक्साइड्स आर स्ट्रॉन्गर बेस देन एन ए ओ एच ऑल्सो. ओके, लाइक सोडियम इथॉक्साइड इज अ स्ट्रॉन्गर बेस देन सोडियम हाइड्रोक्साइड. मतलब सपोज हमने यहाँ पे कोई कंपाउंड लिया सी एच थ्री ओ माइनस और ओ एच माइनस, तो इन दोनों में से स्ट्रॉन्गर बेस कौन सा हुआ, तो वो होगा ये बेसिक स्ट्रेंथ. तो बच्चों ये भी हम याद रखेंगे. ओके, और अल्कोहल्स ब्रॉन्स्टेड बेस भी होते हैं, वो तुमने अभी आप ये पढ़ा, क्योंकि उसके पास लोन पेयर्स हैं. ओके ओके बच्चों, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिनॉल. ओके देन, चलो तब तक के लिए गुड बाय.